आज मैं एक अद्भुत जड़ी बूटी की जानकारी दे रहा हूँ, जिसे छोटा धतूरा कहते हैं। यह वनस्पति वर्षा ऋतु में उत्पन्न होती है और लगभग सारे भारत वर्ष में पाई जाती है। ये ज्यादातर खेत, खलिहान, खाली पड़ी जमीन और सड़क के किनारों पर पाई जाती है। ये वनस्पति एक खपतवार है। ये लगभग 1 से 3.5 फीट तक ऊंची होती है। इस प्रकार के इसके पत्र होते हैं। इसे 1 इंच लंबे अंडाकार कांटेदार फल होते हैं, जो कपड़े पर आसानी से चिपक जाते हैं। इस वनस्पति को भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अरिष्टमेघ्य संकोश्वर और सर्पाक्षी इसका संस्कृत नाम है। छोटा धतूरा, छोटा गोकरू, शंखाहोली और घाघरा इसका हिंदी नाम है। इसका गुजराती नाम है गाडरडी और मराठी में संकोश्वर तथा घाघरा कहते हैं। इसका लैटिन नाम जेंथियम स्ट्रोमेरियम है। इस वनस्पति का गुणधर्म मूत्र होने से ये गुर्दे की पथरी में लाभकारी है। ये वनस्पति बहुत ही मूल्यवान है। कुछ लोग इसे आधा शीशी कहते हैं। कुछ लोगों को आधे सिर में ही दर्द होता है, इनके लिए ये वनस्पति बहुत ही लाभकारी है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि रविवार और मंगलवार के दिन इसके फल को लाकर सुराख करके कनपट्टी पर बांधने से आधा शीशी मिटती है। इसके अलावा इसके फलों को पीसकर सिर पर लगाने से भी आधा शीशी में फायदा होता है। इस वनस्पति का गुणधर्म मूत्र होने से ये गुर्दे की पथरी में लाभकारी है। ये पौधा मूत्र कुछ मिटाता है और मूत्र की जलन में लाभकारी है। इस औषधि में विषनाशक गुण पाए जाते हैं। बिच्छू, मधुमक्खी और ततैया के काटने पर ये औषधि बहुत लाभकारी है। इसके ताजे और कोमल पत्तों को पीसकर रस निकालें और इसे मधुमक्खी या बिच्छू के दंश के स्थान पर लगाने से आराम हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसके पत्तों को हाथों से मचलकर दंश के स्थान पर थोड़ी देर रगड़ते रहने से बिच्छू और मधुमक्खी का जहर धीरे धीरे उतरने लगता है। ये त्वचा रोगों में भी बहुत लाभकारी है। इसके पत्तों में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इसके पत्तों का रस निकालकर दाद और खुजली पर लगाने से दाद नष्ट होते हैं और खुजली मिटती है। इसके फल और इसकी पत्तियों की पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे और किल मुआ से नष्ट होते हैं और चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। दोस्तों, ये जड़ी बूटी बवासीर में भी बहुत लाभकारी है। इसके लिए दही के साथ इसके पत्तों का 4 से 5 बूंदे रस निकालकर 3 से 4 दिनों तक पीने से बवासीर नष्ट होती है। छोटे धतूरा का गुणधर्म कृमिनाशक होता है। इसके पत्तों का रस निकालकर आधा से 1 चम्मच की मात्रा में छोटे बच्चों को पिलाने से पेट की कृमि नष्ट होती है। दोस्तों, ये गंधमाला में भी लाभकारी है। इसके पंचागया इसकी जड़ को पानी के साथ पीसकर गाढ़ा लेप बनाकर गंधमाला पर लगाने से गंधमाला नष्ट होती है।